हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में आप जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका फर्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आप लोगों को पता ही है क्या होते हैं। जो वर्ड्स एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी होते हैं, मीन्स उल्टे होते हैं एक वर्ड के, उन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं। जैसे हॉट इज द एंटोनिम ऑफ कोल्ड, ठीक है। मीन्स जो जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, वो वर्ड्स होते हैं एंटोनिम्स। नेक्स्ट सिनोनिम्स, जो वर्ड्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं या नियरली सिमिलर होते हैं, उनको उन वर्ड्स को हम बोलते हैं सिनोनिम्स। जैसे एडमिट, एडमिट का क्या होगा एक्सेप्ट, एबोर का हेट। मीन्स दोनों का मीनिंग एक ही होगा। फिबल, फिबल मीन्स भी स्टोरी और स्टोरी मीन्स भी स्टोरी ही होता है। होमोफोन्स, बेसिकली ये सब आप लोगों के सब पढ़े हुए हैं। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके साउंड बोलने में सेम होती है, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे होमोफोन इज अ वर्ड हैविंग द सेम साउंड एज अनदर बट अ डिफरेंट मीनिंग एंड ओरिजिन। मीन्स दोनों के जो बोलने के प्रोनाउंसिएशन जो होती है, बोलने की साउंड जो होती है, वो सेम आएगी, लेकिन उन दोनों के मीनिंग अलग अलग होंगे। जैसे हियर, हियर दोनों ही हियर, एक हियर मीन्स होता है लिसन और दूसरा मीन्स होता है लोकेशन। एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं ताकि आप लोगों को ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो सके, आप डीप में जाके इसको स्टडी कर सके। हियर के लिए अगर ये एग्जाम में आप लोगों के किस तरीके से आएगा, दो वर्ड्स आएंगे हियर हियर या फिर लूज लूज, कुछ भी आ सकते हैं। दोनों दो वर्ड्स लिखे हुए होंगे, उन दोनों वर्ड्स को लिखा होगा कि इन दोनों वर्ड्स के होमोफोन्स बनाइए, होमोफोन्स की मीनिंग बताइए और इनका इनके सेंटेंस में यूज बताइए। तो आप लोगों को क्या करना है, इनका मीनिंग बताना है और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको एक सेंटेंस बना के बताना होगा। जैसे हियर, हियर का क्या होगा, हियर मीन्स होता है टू लिसन। इसका सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं, आई कैन हियर द लाउड म्यूजिक, मीन्स मैं ज्यादा तेज म्यूजिक भी सुन सकता हूँ। मीन्स हमने हियर का यहाँ पे यूज कर लिया। सेकेंड वी हियर, हियर मीन्स लोकेशन। सेकेंड ईयर एच ई आर ई, स्पेलिंग आप देख रहे हैं ना, स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनंसिएशन सेम है। ही इज सिटिंग ओवर हियर विद मी, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, बाकी इसके और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, ये बहुत सिंपल पोर्शन है सेकंड यूनिट आप लोगों का। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है मीन्स एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड बताना। मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ वोकैबुलरी। इट सिंपली मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज टू बी रिप्लेस्ड विद अ सिंगल वर्ड। मीन्स ए सेंटेंस जो है वो हम सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस करेंगे पूरा सेंटेंस। मीन्स शब्द समूह के लिए एक शब्द, अगर हम हिंदी में बात करें तो। इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, मीन्स ए गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा बनाई गई है उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज ओमनी प्रेजेंट। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड इज इनऑडिबल, मीन्स जो साउंड हम सुन नहीं सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, जियोग्राफी। वन हु लव्स हिज कंट्री इज पैट्रियट। मीन्स ये सब क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उसमें वर्ड्स में स्टार्टिंग में या एंड में हम कुछ ऐड करके नया वर्ड्स बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। मीन्स वर्ड को फॉर्म करके नया वर्ड्स बनाना। आइदर वी कैन ऐड आइदर प्रीफिक्स और वी कैन ऐड सफिक्स। हम सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं उसमें, प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स हम उसमें बाद में भी कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं और स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं। सर्टेन वर्बल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड आइदर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द वर्ड टू क्वालिफाई
इट्स मीनिंग में, मीनिंग को चेंज करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते करते हैं, कुछ वर्ड्स के स्टार्टिंग में या एंड में कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं जिससे उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है, ऐड, हमने री ऐड किया है बिगनिंग में न्यू वर्ड को ड्राइव करने के लिए, जैसे अपीयर, इसमें हमने री ऐड कर दिया तो ये हो जाता है री अपीयर, मीन्स मीनिंग दोनों के चेंज हो गए। राइट, राइट में ऐड कर दिया री राइट, ये होता है वर्ड फॉर्मेशन, मीन्स वर्ड में सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करने को हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। और इसमें सिर्फ हम री ही नहीं ऐड करते, हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे एम ई एन टी हम ऐड करेंगे तो एडजस्ट का क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट, पनिश का पनिशमेंट, और टी आई ओ एन अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, ऐड में अगर हम ऐड करेंगे टी आई ओ एन तो हो जाएगा एडिशन, रिस्ट्रिक्ट में ऐड करेंगे तो हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन, आई टी वाई हम ऐड करते हैं तो स्टूपिड में अगर हम ऐड करते हैं आई टी वाई तो हो जाता है स्टूपिडिटी। ठीक है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन होता है वर्ड से, वर्ड्स में सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करके न्यू वर्ड्स बनाना। ठीक है, उससे हम एडजेक्टिव भी फॉर्म कर सकते हैं, एडवर्ब भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम एडजेक्टिव फॉर्म करें, ये तो आप लोगों के नाउन के फॉर्मेशन हो गए, जैसे आप देख रहे हैं अभी जो मैंने बताया वो आपके हो गए नाउन के फॉर्मेशन। नेक्स्ट आप करेंगे एडजेक्टिव के फॉर्मेशन, एडजेक्टिव बनाने के लिए अगर हम ए एल ऐड करते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स में अगर हम ए एल ऐड करते हैं तो हो जाएगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक एडजेक्टिव है। नेचर, नेचर में अगर हम ऐड करते हैं ए एल तो वो होता हो जाता है नेचुरल। मैनेज में अगर हम ए बी एल ऐड करते हैं तो हो जाता है मैनेजेबल। ये जब जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ए एल ऐड करने के बाद, ए बी एल ऐड करने के बाद, या फिर एफ यू एल ऐड करने के बाद, तो ये सब क्या हो रहे हैं, एडजेक्टिव फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, अभी अभी आप यहाँ तक का, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक इन दो तीन टॉपिक्स में तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।